बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। लोगों को अक्षय कुमार की ये फिल्म पसंद आ रही है। इसी बीच खबर आई है कि तीन देशों ने एक साथ अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की रिलीज पर बैन लगा दिया है। कुछ अरब देशों ने अक्षय कुमार की फिल्म को रिलीज करने से ही इनकार कर दिया है। इस लिस्ट में सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों का नाम शामिल है। इन देशों के सेंसर बोर्ड ने फिल्म के एक सीन को लेकर आपत्ति जताई है। सेंसर बोर्ड ऑफ यूएई का मानना है कि बेल बॉटम में तीनों देशों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। अक्षय कुमार की यह फिल्म 80 के दशक की एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म बेल बॉटम की कहानी भारत के पहले सीक्रेट ऑपरेशन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि प्लेन हाईजैक होने के बाद लाहौर से दुबई ले जाया जाता है। उस दौरान संयुक्त अरब अमीरात की फोर्स ने हाईजैकर्स को पकड़ लिया था। बाद में यूएई के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन राशिद ने मामले में दखल दी। हालांकि फिल्म में दिखाया गया है कि इस सीक्रेट मिशन को भारतीय अधिकारी पूरा करते हैं। इस बात की भनक यूएई के डिफेंस मिनिस्टर को भी नहीं लगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बदलाव की वजह से ही तीनों देशों के सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की फिल्म पर बैन लगाया है। सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देशों में बैन होने की वजह से फिल्म बेल बॉटम की कमाई पर असर पड़ना लाजमी है। दूसरी तरफ अक्षय की यह फिल्म ऑनलाइन भी लीक हो गई है, जिसके चलते अब कई लोग थिएटर्स के बजाय घर में ही डाउनलोड करके फिल्म देख रहे हैं। इसके चलते भी फिल्म की कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है। बताते चले, अक्षय कुमार की फिल्म में लारा दत्ता, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और आदिल हुसैन जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में सभी के काम की तारीफ हो रही है। रंजीत एम तिवारी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले 28 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते इसकी रिलीज डेट को टालना पड़ा। बेल बॉटम पहली बड़ी हिंदी भाषा वाली फिल्म है जो कि कोरोना काल के बीच थिएटर्स में रिलीज हुई है। अक्षय के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। वैसे अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए, क्योंकि फिल्म को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी।